जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो परेशानी ये आती है कि छत को सीलन से कैसे बचाएं। आप देख रही हैं, ये मैंने छत पर ग्रो बैग लगा रखे हैं 6 फीट लंबे, उसमें मैं सब्जियां तोड़ रही हूँ। मैंने कैसे अपने छत को सीलन से बचाया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी छत पर उसके ग्रो बैग की लंबाई के अनुसार ईंटें रख ली हैं, 5 दोनों साइड 5-5 ईंटें रख ली हैं। यहाँ पर मैंने 6-6 फीट लंबे बांस लिए हैं, इन ईंटों के ऊपर बांस रख दिए हैं मैंने। पहले ईंटें रख लेंगे हम ग्रो बैग की चौड़ाई के अनुसार, उसके बाद मैंने ये बांस रख दिए हैं, एक एक ईंट पर एक एक बांस रख दिया। मैंने 5 बांस यूज करे हैं। एडजस्ट करते रहें। अब इनके बीच के गैप को भरने के लिए बीच में मेरे पास जो पुरानी लकड़ियां थे, टुकड़े थे, जो भी कुछ था, मैंने इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दी हैं, जिससे कि ग्रो बैग नीचे की साइड ना लटके। एक बार ग्रो बैग की लंबाई चौड़ाई भी नाप लेते हैं कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बांस के टुकड़ों को आगे पीछे कर सकते हैं चौड़ाई में। उसको एक बार एडजस्ट कर लें कितनी चौड़ाई है हमारी। चौड़ाई को मैंने नाप लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस बांस को थोड़ा थोड़ा और खुला कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ 6-6 फीट के 2 बड़े ग्रो बैग हैं और उनका मैं कैसे बैट तैयार किया है मैंने, आप देख लेना। बांसों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया है मैंने। मेरे पास जितनी भी लकड़ी थी, पुरानी लकड़ियाँ, फट्टे, जो भी कुछ थे, मैंने सब इस पे इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ मैंने एडजस्ट कर लिया है सारे बांसों को। ग्रो बैग की चौड़ाई के अनुसार इसको थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर ले। बीच में सपोर्ट के लिए मैं ईंटें भी लगा रही हूँ, जिसे बांस के नीचे सपोर्ट मिल जाए। बीच में भी मैंने ईंटें लगाई हैं। यहाँ पे फिर मैंने इनको गैप को भरने के लिए जितने भी मेरे पास फट्टे वट्टे थे, जो भी कुछ था, मैंने इनके बीच में भर दिया है, बांस के ऊपर रख दिए हैं। ऐसे मैंने 2 बैट तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर ग्रो बैग को रख दें। इसको किनारों को खड़ा करने के लिए मैंने एक एक गमला रख दिया, जिससे किनारे खड़े हो जाएं ग्रो बैग के, मिट्टी भरने में आसानी रहेगी। चारों तरफ एक एक गमला रख दें छोटा छोटा। ग्रो बैग मैंने अच्छे से रख दिया है अपने, ये देखो कितना बड़ा ग्रो बैग है मेरा। इसमें हम बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। मेरे पास ऐसे 2 ग्रो बैग हैं बड़े बड़े 6 फीट लंबे, चौड़ाई इनकी 4 फीट है। ऐसे दूसरा बैग, ग्रो बैग भी इस पर रख देंगे हम। अब ग्रो बैग में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर दें, नीचे की साइड में एक लेयर मिट्टी की भर देंगे। मिट्टी को चारों तरफ फैला दें, ग्रो बैग के चारों तरफ नीचे फैला दें। मिट्टी को मैंने चारों तरफ फैला दिया है। यहाँ पर मेरे पास पुराने पौधों के सूखे टहनियाँ, पत्ते वत्ते जो भी हैं, मैंने यहाँ रखे हुए हैं, उनको फेंका नहीं है। उन सबको हम इस मिट्टी के ऊपर चारों तरफ फैला देंगे।
बाद में इसे हम मिट्टी से ढक देंगे, जिससे कि बाद में अंदर ही अंदर मिट्टी के अंदर दब के खाद बन जाए। जितना भी मेरे पास सूखे पत्तों का जो भी टहनियाँ थी सब मैंने चारों तरफ फैला दी हैं इसमें। अब इसके बाद जो मिट्टी हम भरेंगे उस पर मैं खाद और जो भी कुछ मिलाना है इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मेरी खाद है, खाद वाली मिट्टी है मेरी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा स्टोन डस्ट डाल दिया है, स्टोन डस्ट बजरी डाल दें जिससे कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए हमारी। और खाद खाद भी डाल देंगे, मैंने बहुत सारी खाद डाली है इसमें, दो तीन कट्टे गोबर की खाद करनी है। सबको मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करके इस ग्रो बैग को भर देंगे और कुछ दिनों के बाद आप भी अपनी ऐसी सब्जियां लगा सकते हैं।